आज सोमवार है, शिव जी का दिन है और आज ही के दिन शिव जी के अंश भैरव जी की जयंती है, इसलिए आज का सोमवार विशेष फल देने वाला है। आज धर्म की बात होगी, ब्यूटी की बात होगी और आपको माला माल बनाने वाले संकेत भी होंगे। सोमवार के दिन शिव और भैरव जयंती के अवसर पर भैरव को प्रसन्न करने के अचूक उपाय भी होंगे। आपकी हथेली पर माँ लक्ष्मी के कई संकेत मौजूद हैं। पांच बड़े संकेत आज बताऊंगी, सब कुछ कुछ ही देर में पता चलेगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या पावर्टी, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, पैसों का कोई जुगाड़ नहीं बन रहा, ऐसे में आप क्या करें? एक पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर इस जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। फिर जिस व्यक्ति को धन की सबसे ज्यादा जरूरत है, हम बोलेंगे पावर्टी है, वो इसमें से पानी निकाल कर नहाए, दरिद्रता दूर होगी। इसको रेगुलर प्रोसेस पे जारी रखिए। बम भोले बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बम भोले बोलो बम बम। भैरव में है शिव का अंश और जिसमें शिव का अंश हो वो चुटकी बजाते ही आपके दुख दर्द दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानिए भैरव को प्रसन्न करने का तरीका क्या है। देखिए 10 अचूक उपाय बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लें। रोटी पर अपनी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली से तेल में इसको डुबोकर लाइन खींचे। ये रोटी किसी भी डुअल कलर वाले डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्राउन एंड व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, ऐसे डॉग को खिला दीजिए। अगर डॉग ये रोटी खा ले तो समझ लीजिए आपको भैरवनाथ का आशीर्वाद मिल गया। अगर डॉग रोटी सूंघकर आगे बढ़ जाए तो आप इस उपाय को जारी रखिए, लेकिन सिर्फ हफ्ते के 3 दिनों में ही, संडे, वेंसडे और थर्सडे, यही 3 दिन भैरव जी को मनाने के माने गए हैं। उड़द की दाल के आप पकौड़े बनाएं। इसको आपको सैटरडे की रात को बना लेना है और कड़वे तेल में बनाकर रखना है। रात भर उन्हें ढक कर रख दें। सुबह जल्दी उठकर 6 से 7 बजे के बीच बिना किसी से बोले घर से निकलें और रास्ते में मिलने वाले पहले डॉग को खिलाएं। याद रखें, पकौड़े डालने के बाद डॉग को पलट कर नहीं देखना है, ये सिर्फ संडे के लिए है। देवराज सेव्यमान पावना कृपंकजं, ज्ञाल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं। चलिए अब आपको एक और खास उपाय बताती हूँ। सैटरडे के दिन आपको शहर में ऐसे भैरवनाथ के मंदिर खोजने हैं जिन्हें लोगों ने जाकर पूजा करना जिसपे छोड़ दिया हो। संडे की सुबह सिंदूर, तेल, नारियल, पुए और जिलेबी लेकर पहुंच जाएं। मन लगाकर उनकी पूजा करें। पूजा के बाद आप 5 से 7 साल तक के बटुकों यानी कि लड़कों को चने और चिरौंजी का प्रसाद बांटें। साथ में लाए जिलेबी, नारियल, पुए, इन सब भी उन्हीं को बांट दें। याद रखिएगा, अपूज्य भैरव की पूजा से भैरवनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं। एक और उपाय कर सकते हैं आप। हर थर्सडे को डॉग को बिल्कुल इतना सा गुड़ खिलाएं। एक और काम कर सकते हैं, मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन्हें आप एक वक्त का खाना खिलाएं। अभी तो मैंने आपको 5 अचूक उपाय बताए हैं, 5 अभी बाकी हैं। आपको ये सब आगे बताने वाली हूँ। पहले एक और खास बात जानिए। महादेव जय जय त्रिपुरारी, शिव शंकर जय गंगाधारी। महादेव जय जय त्रिपुरारी, शिव शंकर जय गंगाधारी।
भैरव बाबा की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज सोमवार है तो मैंने सोचा जहाँ से भैरव बाबा का जन्म हुआ है शिव शंकर, उनकी बात क्यों ना कर ली जाए। जब उनकी बात चली रही है तो 40 दिन में मकान, नौकरी, प्रमोशन, शादी जैसी मनोकामनाएं पूरी अगर नहीं हो रही हैं तो शिव जी के कुछ अचूक उपाय सोमवार के पवित्र दिन बताने जा रही हूँ। आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। किराए का मकान छोड़कर अपना मकान बनवाना चाहते हैं तो क्या करें, किसी भी तीर्थ स्थान के पत्थर लेकर आए और जहाँ मकान बनाना चाहते हो वहाँ उस पत्थर से छोटा सा घर बनाएं। जल्दी ही आप किराए के घर को छोड़कर अपने खरीदे हुए मकान में शिफ्ट हो जाएं। मंगलवार को आपको क्या करना है, नारियल में लाल सिंदूर लगाकर, लाल कपड़े में लपेटकर, लाल मौली बांधकर नवग्रह में मंगल ग्रह के पास रखा है। कई मंदिर में नवग्रह मिलता है, वहाँ आप ये काम कर सकते हैं। ये उपाय 5 मंगलवार तक करने से पति को जल्दी ही प्रमोशन मिल जाता है। शिव जी के उपाय से आपका कारोबार, बिजनेस बढ़ेगा। क्या करना है, हर मंगलवार पति पत्नी दोनों लाल चंदन का टीका लगाएं। ऐसा करने से बहुत जल्दी ही आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। बेरोजगार पति को कैसे मिलेगी नौकरी, 40 दिन तक लाल या गुलाबी कपड़े पहनकर आपको पत्नी को कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करना है। इससे क्या होगा, लाल फूलों से शिव जी की पूजा करें और साथ साथ लिंगाष्टमक का पाठ करने से जल्दी ही आपके हस्बैंड को रोजगार मिलेगा। खीर से भोग कैसे आपका सौभाग्य बढ़ाएगा। शिव जी को, पार्वती माँ को खीर का भोग लगाएं, महिलाओं का सुहाग और साथ साथ आपकी जीवन साथी का साथ आपके साथ बना रहेगा। मैरिड लाइफ में कैसे भरेगी दरार, आपको अर्धनारेश्वर स्तोत्र का पाठ करना है, तलाक की नौबत तक इससे टल जाती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से भी अगर रिश्ते में दरार आ रही है तो ये दूर हो जाती है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए आप घर में शिव परिवार की स्थापना करें। अकेले शिवलिंग कभी भी ना रखें। पति का प्रेम पाने का सरल उपाय भी अपनाएं। कागज पर अपना नाम लिखें, फिर उसे मोड़ कर ओवरलैप करके पति का नाम लिखें। पति पत्नी का नाम लिखे कागज शिव जी के मंदिर में माँ पार्वती को चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से पति से भरपूर प्रेम मिलता है। अच्छा, एक और बात, नौकरी में स्टेबिलिटी के लिए क्या उपाय करने हैं जान लीजिए। पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। मंदिर में हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं। पत्नी अगर मंगलवार को मंगल चंडी स्तोत्र का पाठ करती है तो ऐसा करने से पति को हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। शिव जी ने भी मंगल चंडी स्तोत्र का पाठ किया था। हस्बैंड या बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए अगर कुछ करना चाहती हैं, तो पति पत्नी और संतान साथ में बैठकर हय ग्रीव स्तोत्र का पाठ करेंगे। ऐसा करने से पति या संतान को उच्च शिक्षा हासिल होती है, कामयाबी मिलती है। हय ग्रीवा ने ही सरस्वती जी को अक्षर अभ्यास कराया था। भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं, जिनमें से एक अवतार घोड़े के रूप में हुआ है। आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। इस अवतार को है ग्रीवा कहा जाता है। कर्ज से थोड़ी अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मंगलवार को ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करें, बहुत जल्दी ही कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। ओम मंगलकाय नमः मंत्र का 108 बार मूंगे या लाल चंदन की माला से जाप करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मूंगे की गणपति की मंगलवार को स्थापना करके पूजा करें, जो भी कर्ज होगा उतर जाएगा। महादेव और भैरव बाबा की बात तो हो ही रही है, लेकिन जरा बीच में आपको धनवान बनाने की बात भी कर लेते हो। आपकी हथेली पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको माला माल बना सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा दिला सकते हैं। वो संकेत क्या है, हम ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हथेली भारी हो
और उंगलियों का आधार भी बराबर हो, मतलब ऑलमोस्ट शेप बराबर हो, इक्वल हो। साथ ही भाग्य रेखा एक से अधिक हो। भाग्य रेखा मतलब ये जो सेंटर वाली लाइन तक जो लाइन जाती है, ये कई बार दो हो जाती हैं, तीन हो जाती हैं, तो अगर ये एक से ज्यादा हो तो ये संकेत है कि आपका भाग्य कई और से लाभ आपको दिलाएगा। मतलब कितनी डिफरेंट डायरेक्शन से भाग्य चमक रहा है ना, ये इसका मतलब है। ऐसे इंसान को अचानक धन का लाभ मिलता है और करोड़पति वो इंसान बन जाता है। अब आप इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, अगर हथेली में मोटे से पतली होती जाए आपका भाग्य रेखा, यानी कि ये पहले मोटी थी, फिर मोटी 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 होते होते ये पतली हो जाए, इस तरीके से अगर भाग्य रेखा हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। और साथ साथ जीवन रेखा गोल हो, ये जो जीवन रेखा है ये बिल्कुल गोल हो, और शनि पर्वत ऊंचा हो, ये जो एरिया है ये उठा हुआ हो। तीन कॉम्बिनेशन बन गया ना, ये मोटी से पतली, ये उठा हुआ, और भाग्य रेखा गोल, जीवन रेखा गोल। ऐसा अगर होता है तो इंसान के बिजनेस में उसको खूब धन की कमाई होती है और वो करोड़पति बनता है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखिए, हथेली भारी हो और जीवन रेखा के साथ साथ मंगल रेखा भी चल रही हो, ये कैसे होता है? ये आपकी जीवन रेखा है, एक गोला देखिए ध्यान से, और इसके अंदर ही मंगल रेखा भी चल रही हो, अंदर एक और सपोर्टिव लाइन चलती है, देखिए आपके हाथ में चल रही होगी, मेरे हाथ में भी चलती है, किसी किसी के हाथ में चलती है, ऐसा संकेत होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान है वो करोड़पति बनेगा, ऐसा ऐसा लिखा गया शास्त्रों में कि ये ब्रह्मा का संकेत है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है। अब हथेली में भाग्य रेखा जीवन रेखा से दूर हो, देखिए ये आपकी जीवन रेखा है, इसको लाइफलाइन बोलते हैं, और ये भाग्य रेखा, ये इससे दूर हो, और चंद्र पर्वत से एक पतली रेखा, चंद्र पर्वत ही, यहाँ से एक पतली रेखा निकली और निकलते निकलते भाग्य रेखा से जाकर मिल गई, इधर से निकली और जाते धीरे धीरे मिल गई, इस तरीके से अगर मिल जाए तो ऐसा इंसान विदेश में जाकर धनवान बनता है। ये जो एरिया है मून का, ये आउटसाइड लोगों का सपोर्ट एरिया है, फॉरेन ट्रेवल्स का एरिया है, तो इसको फॉरेन से पैसा मिलता है। अब एक और कॉम्बिनेशन देखिए, आपको तो पता है ना मणिबंध क्या होता है, जो ये रिस्ट की लाइन होती है इसको मणिबंध बोलते हैं। मणिबंध से अगर आपकी भाग्य रेखा सीधी निकलकर शनि पर्वत पे जाए, बिल्कुल सीधी, और सूर्य रेखा एक से अधिक हो, ये सूर्य रेखा है, ये एक से अधिक हो, ठीक है, इस तरीके से हो, और शनि की उंगली सीधी हो, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी हो, तो ये संकेत है कि आप काफी धनवान बनेंगे। चलिए आपको बताते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या बहुत समय से आपकी कोई मनोकामना अटकी हुई है, तो आपको सकल मनोरथ सिद्धि मंत्र जपना है। मंत्र क्या है नोट कीजिए, भव भेषज रघुनाथ जस सुने जे नर अरुनारी तिने कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिसरारी। इस मंत्र का 31 दिनों तक 500 बार जाप करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। अभी तो आपको भैरव बाबा को प्रसन्न करने वाले बहुत से उपाय बताने बाकी हैं, लेकिन पहले आपके बालों की एक बात। आजकल बालों में हेयर स्टिकर लगाने का ट्रेंड मार्केट में है, हेयर स्टिकर कैसे लगाए जाते हैं और इनका क्या फायदा है, आइए ब्यूटी एक्सपर्ट से जानते हैं। बेहद ही खूबसूरत लग सकती हैं सिर्फ दो मिनट में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेयर स्टिकर्स की। चेहरे पे तो हम हमेशा ही ध्यान रखते हैं, उसको कैसे खूबसूरत बनाया जाए, मेकअप कहाँ से कराया जाए, लेकिन बालों को थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। पर इस टाइम ब्राइडल सीजन चल रहा है और हम बड़े बड़े हेयर स्टाइल्स काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। चाहे आप ग्लिटर की बात करें, चाहे आप हेयर स्टिकर्स की बात करें, हेयर स्टिकर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप दो मिनट में आप उनको बालों पे लगा सकते हैं और आप अपने पूरे बाल को एक बहुत ही बेहतरीन बड़ा नया लुक दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, दो सेकंड में चिपक जाता है, और आजकल बजट की तो प्रॉब्लम सभी को चल रही है क्योंकि आपके पास लिमिटेड बजट है जिसको आप बैंक से निकाल सकते हैं, तो हेयर स्टिकर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहती है। आप इनको बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बालों को भी निखार सकते हैं, और आप इसको एक बार ही नहीं काफी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इज कि आपने जो भी ड्रेस पहनी है, चाहे आपका कोई भी कलर हो, चाहे वो पर्पल या ब्लू या पिंक या गोल्ड,
आप उनको अपने ड्रेस से मैचिंग अपने हेयर में लगा सकते हैं। चलिए अब आपको अपने व्यूअर्स के पास ले चलते हैं, यानी कि आपके पास। आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमारे पास है झटपट इलाज और पावरफुल इलाज। आज के हमारे पहले व्यूअर कौन है, इन्होंने अपना नाम हमको बताने के लिए मना किया है, लेकिन वीडियो इन्होंने हमको भेजा है। इनकी परेशानी ये है कि शादी को 3 साल हो गए हैं, संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, घर में बहुत टिक टिक रहती है। ऐसे में क्या करें? इनको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपना नॉर्मल इलाज कराना चाहिए, उसके साथ साथ अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए घर के ईस्ट डायरेक्शन में राइजिंग सन की फोटो लगानी चाहिए और एक स्माइलिंग बेबी जिसकी आंखें खुली हो उसकी फोटोग्राफ लगा देनी चाहिए। देखिए कितनी फटाफट ईश्वर ने चाहा तो आपकी कंसीविंग हो जाएगी, और हो सके तो गणपति बापा की रोज आरती किया करें। आप भी अपनी प्रॉब्लम हमसे भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फेसबुक उसका सबसे बेस्ट और इजी तरीका है। सास बहू फैमिली गुरु को सर्च करें, अपनी वीडियोस अपनी प्रॉब्लम्स हमसे भेजें। शो देखते रहें, अपने पेशेंस बनाए रखें, शो पर आपकी प्रॉब्लम का हल हम जरूर देंगे। भैरव के 5 महाउपाय आपको बताए थे, 5 बाकी थे, वो अब जान लीजिए। भैरव को प्रसन्न करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। 1.25 किलो जलेबी बुधवार के दिन भैरव नाथ को चढ़ाएं और डॉग्स को खिलाएं, देखिए कमाल। शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़ पकौड़े पुए जैसे आप चीजें पकवान बनाएं और संडे को गरीब बस्ती में जाकर बांट दें और देखिए कमाल। 8वां उपाय जानिए, संडे या शुक्रवार को किसी भी भैरव मंदिर में गुलाब चंदन और गुगल की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं और देखें कमाल। 5 नींबू 5 गुरुवार तक भैरव जी को चढ़ाएं, मुसीबतें टलेंगी। 125 ग्राम काले तिल 125 ग्राम काले उड़द 11.25 रुपए या 11 रुपए आप ले सकते हैं। 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरवनाथ के मंदिर में बुधवार के दिन चढ़ाएं, मुसीबतें टल जाएंगी। ऐसे तो पुराने शहरों में भैरव मंदिर मिलना आम बात है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां सिर्फ देश भर से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग माथा टेकने आते हैं। आइए आपको के दर्शन करवाती हूँ, घर बैठे आप उनसे अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, भैरव बाबा जरूर पूरी करेंगे। देश भर में काल भैरव अष्टमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही काल भैरव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। अभी हम खड़े हैं दिल्ली के प्रगति मैदान के सामने काल भैरव मंदिर पर। ये भैरव मंदिर पांडव कालीन भैरव मंदिर है और यहाँ पर 2 भैरव मंदिर है, एक किलकारी भैरव मंदिर है, दूसरा दुधिया भैरव मंदिर है। उनकी मान्यता है कि भीम ने यहाँ इसकी स्थापना की थी, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी और सुबह से ही श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि काल भैरव भगवान शिव के 5वें रुद्रावतार माने जाते हैं और अहंकार के विनाश रोगों से मुक्ति के लिए इनकी पूजा करते हैं। दूर दराज से श्रद्धालु आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे कि आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं ग्रीन पार्क से आई हूँ, रहना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे और इनकी बहुत मान्यता है तो इसलिए आए हम आज। और श्रद्धा भी जो भी लेके आते हो मन्नतें पूरी होती है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है हमें आना। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? 40 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ भैरव की। कोई किसी को ये नहीं करता, रोजा भक्त अपने आप आते हैं और साक्षात प्रणाम लेके आते हैं, प्रणाम मिलता है आया और उसके बाद जो चाहता है वो ही पूरी हो रही। इसीलिए 40 साल का मैं बता रहा हूँ, 40 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ बराबर, और मेरी भैरव बाबा ने हर मनोकामना पूरी करी है। ऐसी जो आ गया मनोकामना उसकी पूर्ण होती ही होती है। यहाँ कहा जाता है कि प्रसाद के रूप में शराब और दुधिया बाबा को दूध चढ़ता है, ऐसी मान्यता है, क्या कहेंगे आप? शराब तो चढ़ती है पर इधर उन्होंने कह रखा है कि जितने भिखारी हैं उनको मत दिया जाए क्योंकि माहौल भी खराब होता है और लोगों की सेहत भी है, लेकिन प्रसाद के तौर पे थोड़ा थोड़ा टच करने के लिए देते हैं। आपने पूजा कर ली? नहीं अभी जाना है, हम अभी आए हैं तभी जाएंगे पूजा करने। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी ग्रीन पार्क से आई हूँ पूजा करने के लिए भैरव जी की, और ये पति की रक्षा के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पे। भैरव जी पति की रक्षा करते हैं अपने सुहाग के लिए,
और दुखों के कष्ट भी सारे दूर होते हैं लोगों के, और यहाँ आने से बहुत शांति मिलती है मन को और सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु आए हैं सभी ने कुछ न कुछ बाबा के सामने अपनी मनोकामना लेकर के आए हैं और इनकी मान्यता है, आपने देखा कि कुछ लाख कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो ऐसे में आज यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं और उनके अंदर जो भी मनोकामना है या जो भी पीड़ा है या जो भी अहंकार है होते हैं, जो है कानपुर से पुष्पा जी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी ये है कि 2009 में बेटे की शादी हुई थी, तब से घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, पति एक्सपायर हो गए हैं, बेटे की शादी नहीं हो रही है, दूसरे बेटे की शादी, पैसों की दिक्कत रहती है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उपाय जानना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 11 चांदी के स्वास्तिक दीवार पर चिपका दीजिए और उसके ऊपर माँ सरस्वती का चित्र लगा दीजिए, घर की परेशानियाँ धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। शादी की वजह से परेशानियां हैं ये बोलना ठीक नहीं, किसी और पर अपनी परेशानियों का बोझ ना डालें, बहू को या किसी को भी कभी अपने अनलकी होने का जिम्मेदार ना बनाएं। आप ये उपाय कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी भी अगर कोई परेशानी है तो फेसबुक पर हमसे जुड़िए, सास बहू फैमिली गुरु को सर्च करें, प्रॉब्लम भेजे, परेशानी का हल पाने के लिए शो लगातार देखते रहे। चलिए आपको बताते हैं अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप कैसे अपने हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल हम कल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट ए टू एम। ए से है अगर आपका नाम तो अपने फादर की सेवा आपको जरूर करनी है। बी से नाम शुरू होता है तो लोहे का छल्ला उंगली में पहने। सी से है आपका नाम तो अपने पितरों को याद करें। डी से नाम शुरू होता है तो काम में घर वालों की मदद लें। ई से है आपका नाम तो घर के पौधों को पानी दें। एफ से नाम शुरू होता है तो मीठे से दूर रहें। जी से है आपका नाम तो लक्ष्मी जी की पूजा करें। एच से नाम शुरू होता है तो हरे पेन को साथ रखें। आई से है आपका नाम तो सूर्य देव को पानी दें। जे से नाम शुरू होता है तो चिड़ियों को बाजरा खिलाएं। के से है आपका नाम तो पैसे के पीछे ज्यादा ना भागें। एल से नाम शुरू होता है तो कोई बड़ी डील ना करें। एम से है आपका नाम तो प्रैक्टिकल बनिए जरा। आइए अब आपको अपने तीसरे महा उपाय की तरफ ले चलते हैं। आपसे सवाल ये है कि क्या आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं? वैसे तो कौन नहीं चाहता अपना भाग्य चमकाना, तो फटाफट से मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र महामणि विषय वयाल के मेटत कठिन कुअंग भाल के, हल्दी की गांठों की माला बनाएं, फिर इस मंत्र की 6 महीने तक डेली 1000 बार जाप करें। धीरे धीरे आपके भाग्य पर आपको असर दिखने लगेगा, आपकी किस्मत में 4 चांद लगने लगेंगे, सारे बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। ही बन रहा तो आप नीम की लकड़ी के एक मकान को बनाकर किसी गरीब बच्चे को या मंदिर में दान दे दें, सारी अड़चने दूर हो जाएंगे। आइए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N टू Z। N से आपका नाम है तो लस्सी आपको कल जरूर पीनी है। O से नाम है तो गाय को रोटी खिलाएं। P से नाम है तो घर के मंदिर में 100 रुपए रखें। Q से नाम है तो चमड़े का इस्तेमाल ना करें। R से नाम शुरू होता है तो मिश्री जरूर खाएं। S से है आपका नाम तो पीपल के पेड़ पर पानी दें। T से नाम शुरू होता है तो कबूतरों को दाना डालें। यू से है आपका नाम तो शनिदेव को तेल चढ़ाएं। वी से नाम शुरू होता है तो किसी पर भरोसा ना करें। डब्ल्यू से है आपका नाम तो गरीबों को कपड़े दान करें। एक्स से नाम शुरू होता है तो हल्दी की गांठ साथ में रखें। वाई से है आपका नाम तो सुबह फुटबॉल खेलें। और जेड से आपका नाम है तो शाम को घर में दिया जलाएं। आइए अपने तीसरे व्यूअर के पास चलते हैं। चित्राक्षी सिंह ने अपने हाथ और हैंडराइटिंग का वीडियो हमको भेजा है। चित्राक्षी मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, पूछना चाहती हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा, MBBS करना चाहती हैं। बहुत अच्छा है, आप जरूर कर पाएंगी, मन लगाकर मेहनत कीजिए। रात को 7 से 12 बजे के बीच आपका माइंड एक्टिव होता है, इस समय जरूर पढ़ें। और अगर हो सके तो पीली चादर पर बैठकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा करके पढ़ें, आपको मेमोरी में जल्दी चीजें स्टोर हो जाएंगी। शो के आखिर में अब आपको आज का 5वां महा उपाय बताती हूँ। क्या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है? सुख और शांति के लिए बुधवार को
मिट्टी के बने एक मिट्टी का शेर आपको बनवाना है, बाजार से मिल भी जाता है। गले में लाल चुन्नी डालें और लाल टीका लगा दें। इसको किसी भी माता के मंदिर में, हो सके तो दुर्गा माता के मंदिर में रखाएं। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और सब में प्यार बना रहेगा। ये कर देखिए कैसे आपके परिवार में खुशियां वापस लौट आती हैं। आज के लिए शो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।